ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के प्रेमचंद शर्मा जिनमें देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर बसा है, यही कारण है कि वे गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ इसे मनाते हैं। वे अपनी दुकान को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में रंग देते हैं, देशभक्ति के गीत लगाते हैं और सभी को देश के प्रति समर्पित रहने का संदेश भी देते हैं। इस मौके पर वे शहीदों के छाया चित्र भी लगाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी ये पता लगाया जा सके कि किन लोगों की वजह से हमें आजादी मिली है। सोलन के प्रेमचंद शर्मा जी में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर बसा है, यही कारण है कि वे गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वे अपनी दुकान को राष्ट्रीय दिवस के रंगों में रंग देते हैं, देशभक्ति के गीत लगाते हैं और सभी को देश के प्रति समर्पित होने का संदेश देते हैं। इस मौके पर शहीदों के छाया चित्र भी लगाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये पता चल सके कि किन लोगों की वजह से आज हम आजाद हैं। गौरतलब है कि प्रेमचंद शर्मा की दुकान में कर्मचारी भी आज तिरंगे के रंग में नजर आते हैं। दुकान का कोई भी ऐसा कोना नहीं होता जो तिरंगे में ना डूबा हो। अधिक जानकारी देते हुए प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि वे पिछले 15 वर्षों से आजादी का दिन हो या गणतंत्र दिवस वे इसी तरह धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि देशवासियों में भारत के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक देशभक्ति की भावना पैदा हो। उन्होंने कहा कि वे आज के दिन यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोगों को ये दिन महा त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। वहीं आए यहाँ लोग भी इस कदम को बेहद सराहते नजर आए और उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को इसी तरह त्योहार मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बार दुकान को तिरंगे में रंग दिखाई दिया जिसे देखकर आज भी लोगों में देशभक्ति का जज्बा भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को भी देशभक्ति का संदेश मिलता है कि जो जज्बा है देशभक्ति का ये हर एक आदमी में होना चाहिए। और मैं इस सजावट के साथ ही जो तिरंगे लगाए हैं और ये देशभक्ति के गीत लगाए हैं ये संदेशा देना चाहता हूँ कि ये सभी दुकानदार जो सोलन के ही नहीं, हिमाचल के ही नहीं बल्कि तमाम पूरे देश के आज के दिन को ऐसा मनाएं जैसा एक हम बड़ा पर्व मनाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस भारत से, जिस माँ से हमने जन्म लिया उसके प्रति हमारे कुछ फर्ज हैं और ये उन फर्जों से एक बहुत छोटा सा फर्ज है कि ये संदेश हर व्यक्ति को, चाहे वो हमाला से लेकर और नीचे साउथ तक, ये मेरा जो है इसके द्वारा मैं पहुंचाना चाहता हूँ। ये पिछले 15 साल से हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमेशा करते हैं और हर साल पिछले साल से अगले साल बढ़कर करते हैं। जनता के लिए संदेश है कि अगर हमारा देश है तो हम हैं और देश नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। इसलिए हर वक्त, हर समय, हर पल हमें देश की बात करनी चाहिए, देश की सुरक्षा की बात करनी चाहिए, देश के लोगों की भलाई की बात करनी चाहिए। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम। फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।